नमस्कार, जिले भर की तमाम ताजा खबरें लेकर हम हाजिर हैं सिटी बुलेटिन में। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। दो बाइक में हुई भिड़ंत के बाद दो लोगों की मौत और उसके बाद घायलों को अस्पताल लाया गया, जहां पर इलाज न मिलने की बात कहकर परिजनों ने अस्पताल में की तोड़फोड़। इसके अलावा लवकुश नगर में स्कूल की छात्राओं को FIR और महिला अपराधों से जुड़े हुए कानूनों की दी गई जानकारी। और भी खबरें हैं, सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। बाइक भिड़ंत में दो की मौत हो जाने के बाद गुस्साए परिजनों ने जिला अस्पताल में की तोड़फोड़। स्कूली छात्राओं को दी गई कानून की जानकारी। एक दिवसीय कार्यशाला के माध्यम से पॉक्सो एक्ट, FIR और महिला संबंधी अपराधों के बारे में विस्तार से समझाया। शासकीय महाविद्यालय विजावर में लगातार चल रही अनियमितताओं के चलते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने SDM को सौंपा ज्ञापन। प्राचार्य को हटाए जाने की गई मांग। डायबिटिक रेटिनोपैथी नेत्र शिविर में 198 मरीजों में से 120 को ब्लड शुगर की हुई पुष्टि। चित्रकूट से आए हुए डॉक्टर्स ने किया इलाज। हेडलाइंस की बात करते हैं, खबरों का विस्तार। गढ़ी मलेरा के पास 18 सरकार के समीप दो बाइक सवार की भिड़ंत हो गई, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई, तीन अन्य घायलों को जिला अस्पताल लाया गया। देर रात की घटना थी। रात में ही जैसे यहां पर घायल पहुंचे, परिजन भी साथ में थे। परिजनों का कहना है कि काफ़ी देर तक भी भटकते रहे, लेकिन उन्हें समय पर इलाज नहीं मिला और उसके बाद गुस्साए परिजनों ने जिला अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ करना शुरू कर दी और कांच के केबिन भी तोड़ डाले। पूरी घटना से डॉक्टर्स काफ़ी डरे हुए हैं। कुछ डॉक्टर्स ने रात में ड्यूटी करने से भी इनकार किया है। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिली है कि कुछ डॉक्टर्स ने सिविल सर्जन से इस बात को लेकर शिकायत की है कि उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है, इसलिए वे रात में ड्यूटी नहीं करेंगे। हम जब आए यहाँ पे तो रास्ते में दोनों गाड़ी पड़े थे, तो वहाँ पे 3-4 लोग खड़े थे, तो बोले कि वो लड़के सब सीरियस है, तो हम मतलब रोने लग गए, तो बोले रो नहीं और वो हॉस्पिटल ले गए। तो वहाँ से हम लोगों ने फिर देखा कि वो 100 नंबर गाड़ी भी खड़ी थी, अगर जहाँ की भी हो, बोले दूसरी वाली ले गई। यहाँ आए हम भागते सब लोग गाड़ी से, तो यहाँ देखा तो वो जो लड़का की डेथ हो गई वो बेंच में बाहर पड़ो, तो ये दो लड़का अंदर बैठे थे, डॉक्टर कोई नहीं था, ना कंपाउंड डॉक्टर कोई भी नहीं था। खाली जब हम लोगों ने हंगामा थोड़ा चिल्लाया कि डॉक्टर को बुलाओ, घर में लड़का मलते रहे चिल्लाते रहे, तो पुलिस आई, खाली डॉक्टर कोई नहीं आया, ना अभी तक भी नहीं आया डॉक्टर। तो कितने लोग खत्म हो गए इसमें? एक हो गया हमारा। क्या नाम? राजेश। राजेश, कितने जने घायल हैं? दोनों घायल हैं, वो हमारे तीन थे एक गाड़ी में। ये दो बाइकें टकरा गई 18 सरकार के वहाँ स्पीड ब्रेकर पर। यहाँ से क्रिकेट मैच खेल के जा रहे थे, गाड़ी मलेरा के लड़के थे, तो 18 सरकार के पास स्पीड ब्रेकर है। वहाँ पर एक स्वामी पुत्र स्वरूपा है, वार उम्र 25 साल का, इधर से जा रहा था गाड़ी मलेरा तरफ और उधर से कोई आ रहा था, क्यों मूलचंद अनुराग, दोनों की बाइकें टकरा गई और दोनों के चोटें आने से अस्पताल जब आए घायल अवस्था में, तो डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। तोड़फोड़ हुई तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लवकुश नगर में NGO के सहयोग से पुलिस कर्मियों द्वारा छात्राओं को संबोधित किया गया। एक दिन की वर्कशॉप में महिलाओं से संबंधित अधिकारों और उन पर हो रहे अपराधों के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट और साथ ही साथ FIR कैसे दर्ज कराएं और कैसे कैसे मामले जो है वो FIR की श्रेणी में आते हैं, उन सभी के बारे में जानकारी दी। समाजसेवी अफसर जहां ने जानकारी देते हुए बताया कि छात्राओं को इस बात की जानकारी नहीं रहती है और वे संकोच भी करते हैं, जिसके लिए ये पूरा प्रयास लगातार जारी है। इनकी जो जागरूकताएं थी, इनके जो क्वेरीज थी, वो सब बताई गई, प्लस उसके बारे में बताया गया कि क्योंकि ये आज जो संबंधित जो आज ये चला है ये कार्यशाला,
ये महिला अपराध विरोधी ये अभियान था और इसके लिए पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। ये अफसर जहां मैडम ने मेरे से कांटेक्ट किया था इसमें इसको करने के लिए, तो हम लोगों ने ये आज ये आयोजित किया है। इसमें सब सारे करीब 3-4 विद्यालयों के बच्चे आए हैं, इन्होंने अपनी अपनी समस्याएं बताई हैं। इसमें उनको पॉक्सा एक्ट, FIR, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, घरेलू हिंसा आदि के बारे में जानकारी दी गई, कानून संबंधी जानकारी दी गई। जहाँ पे इन्हें डर लगता है या इनके साथ छेड़छाड़ बलात्कार जैसी घटनाएं हो सकती हैं या छोटे बच्चों के साथ में यौन हिंसा होती है, FIR कैसे लिखी जाती है, कैसे आगे की प्रक्रिया होती है, थानों के साथ जो इनकी झिझक है या डर है वो निकालने के लिए हम यहाँ पे आज थाने में कार्यक्रम रखा गया था स्कूल के बच्चों के साथ में, और तो इन्हें कानूनों की जानकारी दी और उस प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी ताकि इनका डर निकल सके, अगर इनके साथ कुछ इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उन्हें वो मदद बेझिझक वो मदद ले सकें। शासकीय महाविद्यालय बिजावर में अनियमितताएं चल रही हैं। यहां पर बताया जा रहा है कि प्राचार्य पिछले 18 से 20 साल से लगातार जमे हुए हैं। लोकल का होने की वजह से वे समय पर कॉलेज नहीं आते, साथ ही साथ छात्र छात्राओं से विकास के नाम पर मनमानी फीस वसूल की जाती है लेकिन विकास के नाम पर कुछ भी नहीं दिखता। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने बताया कि NP नरवरिया पिछले 15-20 सालों से यहां पदस्थ हैं। SDM को ज्ञापन सौंपकर प्राचार्य को हटाए जाने की मांग की गई है। ज्ञापन दिया गया है कि जो महाविद्यालय हमारा बिजावर का है इसमें प्राचार्य समय पर नहीं आते हैं और जो भी इनको सुविधाएं मिलना है वो इनके द्वारा नहीं दी जा रही है, इस संबंध में ज्ञापन दिया है, ये वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा जाएगा। भारतीय मजदूर संघ द्वारा हटवारा के पास स्थित संगम वाटिका में एक निशुल्क नेत्र शिविर लगाया गया था। इस नेत्र शिविर में लगभग 198 लोगों ने पंजीयन कराया जिनमें से 120 लोगों को शुगर की पुष्टि हुई। ये शिविर खासतौर पर डायबिटिक रेटिनोपैथी नेत्र परीक्षण शिविर था जो कि डायबिटीज यानी मधुमेह के रोगियों के लिए था। 10 बजे से 2 बजे तक इस शिविर में 198 लोगों ने आकर पंजीयन कराया। सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट चित्रकूट से डॉक्टर अमन खन्ना और डॉक्टर नीरज दुबे इस मौके पर उपस्थित थे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि लोगों की नजर कमजोर हो जाती है जिसको वे उम्र का तगाजा मांगते हैं, जबकि शुगर होने की वजह से भी रेटिना पर फर्क पड़ता है और इसी से संबंधित जानकारी यहाँ पर उपलब्ध कराई गई। और ये कैंप जो है सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट ने भारतीय मजदूर यूनियन की तरफ से आयोजित किया गया है। ये बेसिकली डायबिटिक रेटिनोपैथी का कैंप है। डायबिटिक रेटिनोपैथी जिसको हम बोलते हैं मधुमेह की बीमारी, जो शुगर की बीमारी होती है, शुगर की बीमारी की वजह से पर्दे पे बहुत सारी तकलीफें आ जाती हैं जिसकी वजह से रोशनी कम हो जाती है। लोगों का मानना होता है कि रोशनी कम होने का केवल एक ही कारण होता है मोतियाबिंद, जबकि वो नहीं है। पर्दे की समस्या की वजह से काफ़ी रोशनी कम हो सकती है। तो हम इस कैंप में लोगों के पर्दे की जांच कर रहे हैं। आज का ये शिविर संगम वाटिका में भारतीय मजदूर संघ द्वारा आयोजित किया गया था और इस शिविर को केवल शुगर के मरीजों के लिए जो आँख से नेत्र से पीड़ित हैं और शुगर की बीमारी है उनके लिए ये शिविर लगाया गया था। और यहाँ पर सदगुरु नेत्र चिकित्सालय से डॉक्टर अमन खन्ना जी आए थे और डॉक्टर नीरज द्विवेदी जी, जिन्होंने यहाँ पर मरीजों का ब्लड शुगर लेवल लिया और उसके बाद यहाँ जांच की और आधुनिक यहाँ पर मशीनों के से भरी एक बेना आई थी उसमें लोगों का परीक्षण किया गया है। और परीक्षण करने के बाद जिन मरीजों को दवा और चश्मा की उपलब्धता कराई गई। 16 दिसंबर से 23 दिसंबर तक खजुराहो में फिल्मों का मेला लगेगा। खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन छतरपुर के सर्किट हाउस में किया गया जहां पर फिल्म अभिनेत्री सुष्मिता मुखर्जी और डायरेक्टर राम बुंदेला उपस्थित थे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मशहूर हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्म मेकर शेखर कपूर भी इस मौके पर आएंगे, उन्हें प्राइड ऑफ इंडिया सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा मेन स्ट्रीम सिनेमा के जैकी श्रॉफ भी इस मौके पर उपस्थित होंगे। इसके अलावा महान हस्तियां भी आएंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। 5 टपरा टॉकीज बनाई जाएंगी। पाहिल वाटिका में इसके लिए पूरा इंतजाम किया गया है। बहुत सारी नई नई चीजें हैं इस साल। एक टपरा टॉकीज जो पहली बार लास्ट ईयर शुरू हुआ था, अगली बार वो 5 टपरा टॉकीज है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज आ रहे हैं। शेखर कपूर जी लंदन से आ रहे हैं, उनको प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड दिया जा रहा है। और मेन स्ट्रीम सिनेमा से जैकी श्रॉफ आ रहे हैं और तमाम लिस्ट है लोगों को जिन्होंने अपनी फील्ड में अच्छा काम किया है।
अब ये ऐसा फेस्टिवल है जो नॉर्मल फेस्टिवल की तरह नहीं है, ये कि आप आए, ये एक समाज को जागरूक होने के लिए एक एक एक, एक कॉल है, एक बात है। तो हम लोगों ने फार्मर्स को जोड़े हैं, औरतों को जोड़ा है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को जोड़ा है और जवानों को जोड़ा है। तो हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए ये फेस्टिवल है, फॉर द पीपल बाय द पीपल। जी जी आ रहे हैं, उनके BSF के डायरेक्टर है, ही इज़ कमिंग ऑन। वो मतलब इतनी खुशी की बात है कि जो सिपाही जो वहाँ पे फ्रंट पे लड़ता है और या तो घर आता है, इस बीच में उसके लिए जो उसके लिए हम सोच रहे हैं, हम सिविलियंस हैं, हम नॉर्मल लोग हैं, हम सिटी के शहरों के लोग हैं, हम जब उनको उनको ऑनर करते हैं, उनका काम को हम सराहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनको भी लगता है कि वो किसके लिए लड़ रहे हैं, किसके लिए अपना जान गंवा रहे हैं। महाराजपुर में विद्युत विभाग में ऑपरेटर के पद पर पदस्थ एक शख्स को गोली मारी गई। बताया जा रहा है कि राजेश साहू जब रात में अपने दफ्तर में था, उसी दौरान कुछ लोगों ने उस पर फायर किया, उसके हाथ और पैरों में छर्रे लगे हैं। राजेश का कहना है कि उसके पहले भी उसको धमकी दी गई थी और इस बात की शिकायत उसने संबंधित अधिकारियों को कराई। इसके बाद वे लोग 108 एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल लेके आए, लेकिन कोई भी विद्युत विभाग का अधिकारी उनके साथ या उन्हें देखने नहीं आए। गोली फायरिंग हुई या बड़ा बड़ा क्या कर रहे थे वो? ड्यूटी कर रहे थे अपनी आप निकल गई वो लाइट। हाँ फिर इसके बाद दोपहर में गोली गली हुई। हाँ इसके बाद वो वहाँ मकान में है, मकान वहाँ पे गए वो फूल बहुत गंदे। हाँ इसके बाद तो मैं देखा तो वहाँ पे माँ वहाँ को अच्छा खा रहा गली हुई थी। हाँ तब फिर 100 नंबर बुलवाई, 100 नंबर के बाद पुलिस आई जाँच की। राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्देश पर जिले के अधिवक्ता संघ द्वारा एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया, जो कि कलेक्टर को सौंपा गया, जिसमें कहा गया है कि भोपाल में एक अधिवक्ता के साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई, उसको लेकर सभी ने काम बंद रखा। पार संघ के अध्यक्ष राकेश दीक्षित ने जानकारी देते हुए बताया कि भोपाल में अशोक विश्वकर्मा नाम के एडवोकेट के साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई थी। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्द ही लागू करने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ इसके पहले जिला न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के नाम भी एक ज्ञापन जारी किया गया। इस मौके पर प्रकाश बाबू पांडे, के तिवारी, ओपी पटेल सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे। राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्देशानुसार हमारे एक अधिवक्ता भोपाल के अशोक विश्वकर्मा के साथ कुछ गुंडों के द्वारा मारपीट की गई थी और उनको बहुत सारी चोटें आई थी इस संबंध में। और दूसरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं कर रहे हैं, इसके विरोध में आज हम लोगों ने जिला कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के लिए ज्ञापन दिया है और इसमें अपना रोष व्यक्त किया है। जनसुनवाई में बारीगढ़ से आई हुई एक महिला द्वारा कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें अनुकंपा नियुक्ति की मांग की गई है। बारीगढ़ से आई हुई रागनी चौरसी ने बताया कि उसके पति शिक्षक थे और उनकी असामयिक मौत हो गई है और उसके बाद अनुकंपा नियुक्ति के लिए वो लगातार भटक रही हैं। ये मेरे पति एक्सपायर हो गए थे, कैंसर के इलाज चलता रहा उनका और मेरे पति एक्सपायर हो गए, इसलिए मैं अनुकंपा नियुक्ति के लिए 6 महीने से भटक रही हूँ, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आवेदन भी भेजा था, बोल रहे हैं कि अभी नहीं, यहाँ पे कुछ होना है, मतलब इसलिए कोई नियम नहीं है इसका कोई ऐसा। किस विभाग में थी आपके पति पदस्थ? शिक्षा विभाग में। आज कहाँ आवेदन दिया है, क्या चाहती हो? बीओ ऑफिस में भी, अभी कलेक्टर ऑफिस में दिया था आवेदन और 3 महीने पहले दिया था बीओ ऑफिस में और कार्यालय, यहाँ कार्यालय में भी दिया था, कलेक्टर के कार्यालय में, लेकिन वहाँ पे कुछ हुई अभी नो, वो दिए थे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजने के लिए, कह रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स भेजिए, तो हमने वो सब पूर्ति कर दी, लेकिन उसका कोई अभी जवाब नहीं आया। मादगुआ थाना के अंतर्गत आने वाले मामौन गाँव में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट की गई है। बताया जा रहा है कि गाँव के कुछ दबंगों ने पट्टे की जमीन हथियाने के लिए घर में जाकर मारपीट की। घायल महेंद्र सिंह और छुट्टे राजा, जो कि आपस में सगे भाई हैं, उनके द्वारा जानकारी दी गई कि गांव के दबंग मुलायम सिंह, रविंद्र सिंह, धीरेंद्र सहित 3-4 अन्य लोगों ने लाठी डंडों से घर पर आकर मारपीट की। क्योंकि ये क्या वजह थी? किस तरह के लोग हैं? जमीन है हमारी, फिर बोला हमें जाने जा हमारी जमीन।
घटना के बाद हुआ। जिसने मारपीट की है आप लोगों आपके साथ में, किस तरह के लोग हैं ये लोग? वो खतरनाक लोग हैं। FIR कर दी है आपने। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बाइक भिड़ंत में दो की मौत हो जाने के बाद गुस्साए परिजनों ने जिला अस्पताल में की तोड़फोड़। स्कूली छात्राओं को दी गई कानून की जानकारी। एक दिवसीय कार्यशाला के माध्यम से पॉक्सो एक्ट, FIR और महिला संबंधी अपराधों के बारे में विस्तार से समझाया। शासकीय महाविद्यालय बिजावर में लगातार चल रही अनियमितताओं के चलते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने SDM को सौंपा ज्ञापन। प्राचार्य को हटाए जाने की गई मांग। डायबिटिक रेटिनोपैथी नेत्र शिविर में 198 मरीजों में से 120 को ब्लड शुगर की हुई पुष्टि। चित्रकूट से आए हुए डॉक्टर्स ने किया इलाज।